दोस्तों 4 फरवरी क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का एग्जाम है, तो ऐसे में चलो हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं और पूरे अच्छे से हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपको ये वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस रिवाइंड करते चलना है। बस ये सारे क्वेश्चंस देखते हो चलो, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। जब ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग आराम से वहाँ पे कर पाओगे। तो बस सुनते हुए चलो, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो और सारे क्वेश्चंस याद कर लो। वीडियो को लाइक कर लीजिए पहले जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंच जाए। आप जानते ही हैं एग्जाम में टाइम बहुत ही कम बाकी है, तो सभी लोग के पास पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। चलिए यहां पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है, आराम से सुनते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है, तो आंसर यहां पे के हो जाएगा, पोटेशियम। अभी यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और ये क्या है, ब्रेक समीकरण है, ब्रेक समीकरण है, तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही हो जाएगा। यहां पे 3 और क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, तो कितना होती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा, 2। देखो ये सारे क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट है, बस यहां पे कुछ ही क्वेश्चंस है, आप आराम से देखते हो चलो। पूरा केमिस्ट्री का तैयारी हम आपको इस चैनल पे करवाएंगे, सब्सक्राइब तो कर ही लो, आगे आपको सभी वीडियोस आगे सभी सब्जेक्ट पे आपको मिलती रहेगी। चौथा क्वेश्चन यहां पे क्या है, सिंपल क्यूबिक, क्या है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 52% हो जाएगा, 52% यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये क्या है, क्या है यहाँ पे, शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फ्रेंकल, क्या है, फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोष होता है, तो क्या होता है, परमाणु दोष होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा, और शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है, और फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोष होते हैं क्या चीज, परमाणु दोष। होप आपको याद हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो क्या हो जाएगी आंसर, आंसर हो जाएगा 68% यानी 68% बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है कितनी, तो 74% याद हो गया, बीसीसी जब आए तो यहाँ पे 68% और यहाँ पे जब एफसीसी आए तो 74%, ये आप याद रख लो। आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 9 और क्वेश्चन, और 9 और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, आराम से देखते हो चलिए। क्या है, फलक केंद्र, क्या है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका, क्या है, कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहविभाजित होती है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8, क्या चीज, 8 एकक कोष्टिका, यहाँ पे क्या है, फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहविभाजित होती है, तो टोटल 8 कोष्टिकाओं के साथ सहविभाजित होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगी। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 14 क्रिस्टल जालक संभव है, क्या चीज़ में, एक क्रिस्टल में। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, आप लोग आराम से अभी सुनते हो चलो, पूरा तैयारी हम लोग को करना है। अभी क्या है यहाँ पे, C6H6 कैसा पदार्थ है, C6H6 कैसा पदार्थ है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, क्या चीज, प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, आंसर हो जाएगा डी यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अभी देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, 13 में बोला जा रहा है CSCI का क्रिस्टल संरचना है, CSCI का क्रिस्टल संरचना है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी BCC यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप कितने धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, यहाँ पे आप नहीं होगा, यहाँ पे ये जो है मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित आयनों क्या है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में किस में धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CSI यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है, होप आपको यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। ये क्वेश्चन देखो 2015 में भी पूछा जा चुका है। अभी 15 नंबर क्वेश्चन क्या है,
पी प्रकार में क्या है, डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगी। चलो 16वां क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है, Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या है, Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या है। तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, चार हो जाएगा। Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या है, तो आंसर चार हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन है, अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजन संख्या होती है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आठ यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में उपसंयोजन संख्या होती है, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी आठ। अभी चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 में क्या है, एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र है, तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, XY3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी क्या हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, 19 में बोला जा रहा है, डायमंड क्या है, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी चार होती है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, अन्य परमाणुओं के साथ जो है जुड़ा रहता है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा चार, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलो हम लोग 20वां क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर सेंटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा SI, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है बिलियन, अब यहाँ से इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे हम लोग यहाँ पे पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज अगर कर लोगे ना तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन आजवाएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है सभी के पास इस वीडियो को पहुँचाने के लिए, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए, तभी सभी लोग के पास पहुंच पाएगा, सभी लोग का हेल्प हो जा पाएगा। यहाँ पे चलिए 21वां क्वेश्चन से देखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, 21वां क्वेश्चन में क्या है, किसी बिलियन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या चीज़, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये 21वां क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब 22वां क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, 22 में बोला जा रहा है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटोनों की संख्या के योगफल के, क्या चीज़, परमाणु द्रव्यमान उसका मास जो होता है बराबर किससे होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल का, क्या चीज़, योगफल का, किसका, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, 23वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या चीज़, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 24वां क्वेश्चन, और ये क्या है, 24 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या चीज, P=KHX यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुण है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परासरण दाब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। होप आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन अभी जितने हम लोग देखे हैं ना सारे याद हो गए होंगे। अभी क्या है, यहाँ पे 26वां क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्या है, PV=ST में S का मान क्या होता है, तो S का मान यहाँ पे R के मान से के बराबर होता है, PV=ST में S का मान होता है तो R के मान से बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 27वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शून्य, यानी जीरो, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। चलिए 28वां और 28वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है,
आइसोटोनिक बिलियन, आइसोटोनिक बिलियन वे हैं जिसके बराबर होते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पे पारस्परिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, निम्नलिखित में से ताप द्वारा कौन जो है यहाँ पे प्रभावित नहीं होती है, तो मोललता यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा मोललता नहीं मोललता यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अभी क्या हम लोग यहाँ पे 29 क्वेश्चन देखें, अभी यहाँ पे इस चैप्टर से ना वीडियो आपको बहुत जल्द आ जाएगी, तो वीडियो अभी बन रही है वो वीडियो आपको बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन वैसे चेक करिए जब वीडियो आएगी तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, हो सकता है आपको वो वीडियो आ भी गया हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और सभी दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो आगे क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको जो भी केमिस्ट्री आगे यहाँ पे क्या था केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का यहाँ पे जो भी आंसर शीट आएगा ना तो वो आपको बहुत जल्द सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा आंसर की, अब एग्जाम देके आओगे और सबसे पहले आपको यहाँ पे आंसर की आपको मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर करके यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।